नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीएम नीतीश ने ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की करीब 3452 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 2726.85 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही 725.26 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया। साथ ही 12,657 करोड़ की लागत से स्मार्ट प्रीपेड योजना की भी शुरुआत की गई। ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में ऊर्जा को लेकर बेहतर काम किया जा रहा है। तो वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि 2005 के बाद बिहार में बिजली की खपत बढ़ी है, साथ ही सौर ऊर्जा को लेकर भी काम किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि मार्च 2025 तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे। बिजली आपूर्ति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी खपत है उतनी बिजली आपूर्ति की जा रही है। गप छाटना काम जो करिएगा तो परिणाम आएगा तो दुनिया भी प्रशंसा करेगी, सारे लोग प्रशंसा करेंगे। अभी फ्रांस की इतना ज्यादा खुश है, वो इतना ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, कहने की योग्य बातें नहीं। इसीलिए काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को बधाई है। और माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार है कि उनके नेतृत्व में हमेशा छोटी से छोटी बातों पर भी इंस्ट्रक्शन उनका मिलता रहा है। फोन करके भी करते हैं कि भाई देखिए इनको इस मामले में, ये गौरव का विषय है। उस समय तो बिजली की खपत जितनी थी, अब कितना लोग बिजली की खपत और ज्यादा कर रहे हैं, बिजली की जरूरत और बढ़ रही है और बिजली की लोग खपत कर रहे हैं और सबके लिए बिजली की आपूर्ति की जा रही है, तो आप सोच लीजिए। और उसके लिए तो जरूरी है कि बहुत सारे उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसके लिए सब काम जो किया जा रहा है और ऊर्जा के लिए भी काम हो रहा है। इन सब ऊर्जा के लिए तो काम हो ही रहा है, हम लोग सौर ऊर्जा पर भी जोर दे रहे हैं। और आज इसकी चर्चा हो गई है कि 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का निविदा के माध्यम से ये किया जाने वाला है। इस पर वो 1,000 करोड़ रुपया लगाएंगे और इसमें ये दो जगह जो बताया गया कि जमुई में 100 मेगावाट और बांका जिला में भी 100 मेगावाट, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सारा काम कर रहे हैं। सड़क से लेकर के बिजली तक किस तरह के काम में कोई कमी रहने दी जाए, तो बिजली के क्षेत्र में भी जितना काम हो गया है ये बहुत बड़ी बात हुआ है। और जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, इसके लिए जो बताया गया है कि भाई इतना तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा। इन लोगों ने इसका जो टेंडर कर दिया उसके हिसाब से इसको 5 चरण में करते करते जो लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर घर घर तक पहुंचाएंगे, वो 5 चरण में सभी जगहों पर करते करते एक एक घर तक पहुंचा देंगे। और ये मार्च 2025 तक हर घर तक ये उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए जो काम शुरू हो रहा है, तो मैं तो चाहता हूं, अब उम्मीद है कि हम लोग जो निजी क्षेत्र से भी बिजली की खपत करते खरीद करते हैं, तो अब उसको नहीं लगा, अब केंद्र के द्वारा हम लोगों ने तो सारा अपना बिजली घर को ट्रांसफर हुआ किया, तो अब जितनी बातचीत हुई है अब सारा बिजली जो केंद्र के माध्यम से मिल जाएगा हम लोगों को पूरे तौर पर, ये बात हम लोगों ने बहुत ही स्पष्टता के साथ अभी जो केंद्रीय मंत्री थे उन सब लोगों ने और पूरे तौर पर कहा। तो जितने बिजली की जरूरत होगी अब वो सरकारी माध्यम से ही हम लोगों को पूरे बिहार में उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए तो मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद।